हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एग्जांपल नंबर 23 पढ़ने वाले हैं। और अगर आप आईआईटी जैम सीएसए नेट गेट एंट्रेंस पेपर एमएससी एंट्रेंस पेपर फॉर एमएससी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएससी एमएससी एसआरएफ सीयूसेट इन सभी पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बना रहे थे। यह एग्जांपल नंबर 23 है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है मोड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, सेटिस्फाइंग वाई जीरो इक्वल टू एक्स। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स मोड ऑफ डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ माइनस वाई, यहाँ पे जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ये हो गए हमारे पास। अब फिर अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ से प्लस माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस माइनस का साइन आएगा, बहुत सारे टाइप टर्म बनेंगी। तो इसलिए हम कर रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। तो स्क्वायर करने पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि इस कंडीशन में चाहे हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, ये स्क्वायर है तो दोनों तरफ पॉजिटिव टर्म हो जाएंगे। ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस माइनस वाई, ये हो गया। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, एक बार वाई ले सकते हैं, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई ले सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, एंड इधर हो गया वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स। इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास ये आ जाएगा लॉग वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, एंड लॉग वाई इसका करेंगे तो लॉग वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारे पास। अगर एंटी लॉग ले लें तो ये हो जाएगा y बराबर e टू द पावर x प्लस सी। तो e टू द पावर x प्लस सी को लिख सकते हैं a डॉट e टू द पावर x प्लस, ये जहाँ पे ये जो है वो है e टू द पावर c। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एंड y बराबर ये c1 ये c2 अलग अलग दे देते हैं इसको। तो ये y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स बी। अब फिर इसके दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। यहाँ से ये जो सॉल्यूशन, एक तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये है, सेकंड ये है, और गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, कोई भी गिवन एक गिवन कंडीशन है वाई एट जीरो पे वन। तो वाई एट जीरो पे वन, तो यहाँ पे हमारे पास वाई एट जीरो ये हो गया पे वन है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा वन इक्वल टू ये जीरो हो गया, तो ए इसी तरह इसमें अगर पुट करते हैं तो वन इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा बी, यानी हमारे पास ए और बी बराबर वन आ गए। तो यहाँ से इसके जो सॉल्यूशन आए इक्वेशन के, वाई बराबर ई टू द पावर एक्स एंड वाई बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब फिर बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, मोए जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था क्या ये क्वेश्चन लीनियर है। तो लीनियर है तो मोड वाई है, तो मोड वाई फॉर्म हो यहाँ पे वह लीनियर नहीं होता, क्योंकि लीनियर के लिए हमारे पास y1 वन प्लस वाई टू बराबर मोड वाई वन प्लस मोड वाई टू होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन बता रहा हूँ मैं। तो इस कंडीशन में सपोज ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y1 और y2 दोनों पॉजिटिव, y1 को ले लेते हैं हम टू एंड y सॉरी y1 को ले लेते हैं e टू द पावर x एंड y2 को ले लेते हैं e टू द पावर माइनस एक्स। तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, तब उसका माइनस e टू द पावर एक्स ही ले ले, तब उस कंडीशन में हमारे पास y1 प्लस y2 तो जीरो हो जाएगा, बट मोड ऑफ y1 और मोड ऑफ y2 करेंगे तो 2 e टू द पावर x हो गए। तो इस तरह से ये जो है लीनियर नहीं है, और लीनियर नहीं है तो फर्स्ट बात तो ये होगी कि ये लीनियर नहीं है। सेकंड जो था क्वेश्चन में ये था हमारे पास क्या इसका ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो सेकंड टर्म जो थी सॉल्यूशन है, इसके दो सॉल्यूशन आए फिर हमारे पास y बराबर e टू द पावर x एंड y बराबर e टू द पावर माइनस x। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है।
तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।